All teacher association. Jindabad. All teacher association. Jindabad. All teacher association. Jindabad. Annual transfer drive tentative teacher list ko review karo. Review karo. Tentative teacher list ko review karo. Review karo. Tentative teacher list ko review karo. Review karo. Annual transfer drive dhoka hai. Dhoka hai. Dhoka hai. Annual transfer drive dhoka hai. जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके और इस वक्त हम मौजूद हैं पब्लिक पार्क बनी तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू एंड कश्मीर और यहां से टीचर हजरात हैं। इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, रॉन्ग पॉलिसी है जो गलत प्रपोजल दिया गया इनको ट्रांसफर को लेकर, इस पे भी ये बात करना चाहते हैं और इनका सही मुद्दा है। क्या बताना चाहेंगे सर इस मौके पर? सर 1 जुलाई 2021 को चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के तहत टेंटेटिव टीचर ट्रांसफर लिस्ट पब्लिश की। जेन्युइन केसेस हुए हैं, हम उसका वेलकम करते हैं क्योंकि बहुत सारे उसमें से ऐसे केसेस हैं जो 2013 के रिक्रूटमेंट उनकी हुई थी और अपॉइंटमेंट भी 2013 से और आज उनकी ट्रांसफ़र हुई है। हम ऐसे जेन्युइन केसेस की ट्रांसफ़र हुई हैं उनकी हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसमें से जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उसमें हुआ सर ये कि सबसे पहले जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो हेल्थ इशू पे थी, फिर मैरिज ग्राउंड पे, उसके बाद सिक्योरिटी ग्राउंड, उसके बाद स्पोर्ट्स पोस्टिंग। चार प्रायोरिटी पे रखा हुआ था एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में कि चार प्रायोरिटी पे होगी। उसके बाद जो पांचवी प्रायोरिटी दी जाएगी वो उन लोगों को दी जाएगी जो हाईएस्ट टेनर होगा और हार्ड जोन में होगा। जो चार प्रायोरिटी पे ट्रांसफर की है उसका हम वेलकम करते हैं, ऑल टीचर एसोसिएशन बनी जो है वो हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जो पांचवा जो चीज़ जो पांचवी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी हॉट जोन और मेच्योर स्टेज। सर उस मेच्योर स्टेज में आप अंदाज़ा लगाइए सर कि हमारे पास बनी जोन में लगभग 155 टीचर थे जो 5+ थे, उसके बाद 4+ भी हमारे पास टीचर थे सर। लेकिन हुआ ये यूँ कि जो 155 टीचर थे लगभग उनमें से 120-125 टीचर्स ऐसे हैं उनको सर कंसीडर नहीं किया गया। ये टोटली हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर आपको इस तरह से कंसीडर ही नहीं करना था तो आपने गूगल फॉर्म क्यों भराया? उनसे डोडा का इंसिडेंट देख लो, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। उधमपुर का इंसिडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। खटुआ का इंसिडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो खटुआ में बैठ के उसको क्या पता सर कि गुट्टू कहाँ है, मंदरेरा कहाँ है, भंडार कहाँ है, चिंडियार कहाँ है, तो हमारे सर बांजल कहाँ है। हमारे ऐसे टीचर फंसे हुए सर जिनकी अपॉइंटमेंट 2016 में हुई थी, आज तक वो ट्रांसफर ही नहीं हुए। आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? जैसे हमारी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो सीईओ हैं आपके जिनको प्रपोजल दिया गया है यहीं से बन के गया होगा क्योंकि उनने खुद नहीं बनाया। आप क्या चाहेंगे कि वो यहाँ विजिट करें, इलाके को देखें, क्योंकि यहाँ वेरिड टोपोग्राफी है, सब ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट और टेम्परेट से ट्रॉपिकल रीजन था और इनएक्सेसिबल एरिया है। यहाँ पे जो है पिक एंड चूज किया गया है, ये आपके खिलाफ गलत हुआ है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सही गलत देखें, अनरेस्ट न लाएं। जो टीचर मेंटर हैं, नेशनल बिल्डर हैं, अगर उनके साथ वो ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं तो आने वाला, मैं नहीं कहता हूं कि फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है जेएंडके में। आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर जो है आपके स्कूल एजुकेशन जम्मू से और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो आपके एजुकेशन के हैं और सेक्रेटरी से क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? सर प्रपोजल गया ही नहीं था। जब जेडी ऑफिस से आप प्रपोजल ही नहीं मांगोगे तो आप खुद लिस्टें खटुकों में बैठ के बनाओगे तो फिर इस तरह से हालात होगी ना। हर चीज़ आप हमारे साथ है। क्या मुतालबे हैं जो टीचर हजरात सारे हैं, एट लास्ट आप क्या वे आउट निकालने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए इन फ्यूचर? सर इन फ्यूचर ये है कि पहली बात कि जेडी ऑफिस को इन्वॉल्व किया जाए, किसी भी ट्रांसफर लिस्ट बननी है तो जेडी ऑफिस को इन्वॉल्व किया जाए। ये ट्रांसफर लिस्ट को रोल बैक किया जाए? सर रोल बैक के हक में नहीं है कि रोल बैक कर दिया, लेकिन रिव्यू किया जाए और जो 120 टीचर हमारे 5+ हैं, 44 टीचर्स हमारे 4+ हैं, उनको कंसीडर किया जाए। पिक एंड चूज ना किया जाए, पिक एंड चूज मेथड है उसको बंद होना चाहिए सर। अगर बंद नहीं हुआ तो हमारे टीचर आज सर इतने हैं, मैं आपको वादे से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम 100 की स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे और हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, क्योंकि सर ये बहुत सालों से हो रहा है और उसके खिलाफ है हम सर। तो नहीं होता है, लॉन्गेस्ट स्टे उनको दिखाई नहीं दे रहा है हायर अथॉरिटीज़ को कि उनको भी उठाना है या रिशफल करना है? क्या ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं क्या? नहीं, एक ये मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं हम एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है सर, मैनेजमेंट नहीं है, ये एक वो तानाशाही होती है ना, वो तानाशाही है सर। ये तानाशाही इन देंस कि उनको पता है डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में 3 तहसीलें ऐसी हैं जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करती हैं, बसोली, बिलावर, बनी, उनको पता, उनको बोलना नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हेडक्वार्टर के
के नियरेस्ट हैं, एम्प्लाइज हैं, उनके फेवर में जाएं और जो दूर दराज इलाके में उनके अगेंस्ट जाएं, ये स्टांस जो है ये ठीक नहीं है। नहीं हो रहा है ना सर, और उसी के खिलाफ है, उसी चीज़ के खिलाफ है। देखो ये टोटली हरासमेंट है, जो म्यूचुअल बेसिस पे ये ट्रांसफर होती है उसको बंद होनी चाहिए। सही, तो ऑलरेडी बंद है, कोई ऑर्डर तो है नहीं, हायर अथॉरिटी जीएडी का कोई ऑर्डर तो है नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो 2021 में एक पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के साथ उन्होंने बोला कि नहीं है कोई ऑर्डर, लेकिन हो रहा है। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किसने करना है? आप भी टीचर हैं, यंग हैं और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिन विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे वो ब्राइट फ्यूचर करके इंडियन नेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर? ये जो ATT के नाम पे हमारे साथ, मैं तो कहूँगा कि धोखा हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे ATT में उन्होंने मेंशन किया था कि हार्ड स्टेशन को प्रेफर करेंगे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा कि हार्ड स्टेशन की डेफिनेशन उनकी नज़र में क्या है। दूसरा पॉइंट मेरा है मैच्योर स्टे, उसमें उन्होंने किसी भी तरह से कोई डिफाइन नहीं किया कि मैच्योर स्टे, अगर वो डिसाइड करते कि 7 ईयर प्लस वालों को हमने ट्रांसफ़र करना है, फिर भी हमारा कोई इशू नहीं था यहाँ इकट्ठा होने का। लेकिन आप देखिए, इन्होंने बताया जैसे कि कोई टीचर 19 साल से एक जगह पर काम कर रहा है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, और एक टीचर 3 साल से काम कर रहा है उसको उठा लिया है। दूसरी बात, उनने उस ATD में क्लियरली मेंशन था कि जो रिटायरमेंट की वर्ज पे टीचर्स हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारे एक टीचर ऐसे हैं जिनको 6 से 7 महीने शायद रिटायरमेंट के लिए, उनको भी ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए सर, ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल सरासर बेइंसाफी है हमारे साथ, और हम ये डिमांड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचर्स के इस लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिव्यू किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। दूसरी बात, जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, मैं उसमें आपको बताऊं कि मैक्सिमम टीचर्स उसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी अटैच थे, जहां ऑलरेडी सुटेबल पोजीशन पर काम कर रहे थे। अटैचमेंट तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर इम्पोज किया कि बंद है, वो कैसे हो रहे? बंद होने के बावजूद भी अटैचमेंट्स थी, और मैं कहूंगा कि हायर अथॉरिटीज़ को इस पर इंटरवीन करना चाहिए, देखना चाहिए। अटैचमेंट्स विद इन एजुकेशन डिपार्टमेंट थी, कहीं और तो नहीं लगा दिए? बिल्कुल थी सर, एजुकेशन में भी काम कर रहे थे जो लोग, कहीं और लगा दिए टीचर, कहीं और भी यूज़ कर रहे हैं। देखो टीचर्स को तो हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे ऑब्वियसली नाम्स एंड कंडीशंस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की 4s and 6s पे हैं। जब एजुकेशन में रह के एजुकेशन विद इन द एजुकेशन भी ये रिस्ट्रिक्ट किया है, बैंड है, और ये अदर डिपार्टमेंट्स में भी लगा रहे, ये कौन सा रूल बनाया अपना? बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ट्रांसफर्स हुई हैं वो सारा एक ब्लंडर हुआ है। इसको हो सकता है हायर अथॉरिटीज़ डायरेक्टर साहब हैं, CEO साहब हैं, उनकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं हो, तो हम यही डिमांड करते हैं कि डायरेक्टर साहब पर्सनली इसमें इंटरवीन करें और देखें, इस लिस्ट को रिव्यू करें कि जो टीचर्स ट्रांसफ़र हुए हैं क्या वो जेन्युइन केसेस थे या नहीं थे। क्या आप विजिट चाहेंगे यहाँ डायरेक्टर साहब की, यहाँ विजिट करें इस दूर दराज? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, CEO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पर्सनली यहाँ पे विजिट करें और देखें कि टिटवा स्टेशन कहाँ पे है, वो देखें कि घुट्टू स्टेशन कहाँ पे है, वो देखें कि चंडहार स्टेशन कहाँ पे है, और उसके बाद, क्योंकि हार स्टेशन का क्या डेफिनेशन है सर, बनी से उठा के आपने सरथली में लगा दिया, सरथली से उठा के बनी में लगा दिया, बग्यान से उठा के ढग्गर में लगा दिया, ढग्गर से बग्यान में लगा दिया। एक टीचर जो 5 साल जिसको हुआ है सर्विस के, उसने एक बार वो 2-3 बार बीच में अटैच होकर काम किया है, उसको आप फिर से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो फिर ATD का फंडा गया है। रिक्वेस्ट करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि आप इसमें इंटरवेन करें और इस लिस्ट को जितनी जल्दी हो सकता है रिव्यू करें, ताकि ये जो टीचर्स हैं बनी इलाके के, पहाड़ी इलाके के, जो कि फार फ्लंग एरियाज में अपनी सर्विसेज हॉनेस्टली और डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं, उनके साथ जो मेंटल हरासमेंट हो रही है ये बंद हो। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी आई है, वो भी बोलना चाहते हैं। वो टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का वाइस चेयरमैन आज ऑल टीचर एसोसिएशन के समर्थन में आए हुए हैं, हम इनकी फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनकी डिमांड जो है वो जायज़ है। अगर टीचर ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो बच्चे को वो क्या तालीम देगा? जब मैं ट्रांसफ़र इसी पर बात करूँगा, आपकी ट्रांसफ़र हुई है तो किस वजह से हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, प्री मेच्योर है या मेच्योर है, तो ये जो लिस्ट है ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसफ़र हुई है वो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी की बात की आपने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2005 ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट लाया था, और उसके अकॉर्डिंगली जो आज़ाद साहब थे जब J&K में चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कमीशन, तो उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, तो उसके बाद जो है जो हमारे CM थे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने यहाँ पे SIC लाया था, क्योंकि वहाँ CIC था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, SIC स्टेट इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का नाम तक नहीं है, क्या बताएंगे? सर यही तो मैं, ये लिस्ट जो है, लिस्ट अपने आप में शो करती है कि जो जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे है ही नहीं। मतलब के तहसील बनी में भंडार जो हिमाचल के साथ बाउंड्री है, वहाँ के टीचर भी कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीढ़ पराई। आज जितने भी यहाँ पे टीचर बरादरी के हमारे टीचर भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये अपना दुख दर्द जो है वो आपके माध्यम से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पास पहुँचाना चाहते हैं। सब गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी रखी थी, हम उसका स्वागत करते हैं। 2017 के बाद 2021 में हमें ऐसा लगा था कि हमारी ट्रांसफरें होंगी, लेकिन साहब जो ट्रांसफरें हुई उसमें ट्रांसपेरेंसी की नाम की कोई चीज़ नहीं रखी गई है। हमारे साथ ऐसे ऐसे टीचर हैं जो हमारे साथियों ने कहा कि 19 साल की सर्विस एक ही स्कूल में जनरल लाइन टीचर दे रहे हैं, क्या ये जस्टिस है? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई, और हम ऐसे बहुत सारे ये जितने भी टीचर यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, असेंबल हुए हैं, उन टीचरों की एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया है, तो मैं आपके माध्यम से अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और ये मैच्योरिटी से रखा गया था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था। अब हमारे यहाँ पे जो भाई इकट्ठे हुए हैं वो कोई 6 साल का एक ही जगह पे काम कर रहा है, कोई 7 साल का, कोई 9 साल का सर्विस एक ही जगह पे दे रहा है, ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? मैं आपके माध्यम से अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की को आगाह कर, मतलब बताना चाहता हूँ कि ये इंसाफ जो है जस्टिस होना चाहिए। जो मेरी 23 साल सर्विस हो चुकी है, 21 जगह हो गए, नहीं 6 साल मुझे बांजर में हो गए, और डुगन ब्लॉक में 18 साल नौकरी की मैंने। 2016 में हमने ज्वाइनिंग डाली थी वहाँ पे, उनमें से किसी को नहीं उठाया गया, और एक ही टीचर उठाया वहाँ से, वो हमसे बाद में वहाँ पहुँचा था। वो पॉलिसी कौन सी थी कोई पता नहीं है उसका, कि 4 साल वाला पहले उठा लिया, जो 6 साल से वहाँ बैठे हैं उनको नहीं उठाया गया। उसने जो लॉन्गेस्ट स्टे था उसकी सीनियरिटी देख कर उसकी रिस्पेक्ट की गई क्या? मेंटली हरासमेंट हो रही है, जब तक टीचर एक मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो क्या काम करेगा? टू डंडी गुट्टू भी यहाँ से पूरा एक दिन लगता है, टिटवा में एक दिन लगता है, भंडार में एक दिन लगता है, हमारे टप्पर में एक दिन लगता है, इस साइड हमारे ढग्गर में भी एक दिन लग जाता है। सीओ साहब को क्या पता है ढग्गर कहाँ है? सीओ साहब को क्या पता है कि बांजल कहाँ है, टिटवा कहाँ है, भंडार कहाँ है, टप्पर कहाँ है? सिर्फ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीओ जो भी आता है, कम से कम जितना उनका यहाँ टेनवर होता है, वो कम से कम एक एक चक्कर हर स्कूल में लगाएं, और उनको पता लगे कि कहाँ कहाँ कितनी मुश्किल से मेरे मुलाजिम जो हैं, मेरे एम्प्लाई जो हैं, कैसे पहुँचते हैं वो, उनको भी तो पता लगना चाहिए। जो टीचर 6 साल से अप डाउन कर रहा है वो भी तो इंसान है। ZDO साहब भी यहाँ पे ही बैठते हैं, और जो भी अफसर यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ 2-3 किलोमीटर जहाँ गाड़ी जाती है सिर्फ वहाँ उन्हीं स्कूलों को चेक, उनको पता है बांजल कहाँ है, मगर पसीने निकलते हैं बांजल पहुंचने में, पसीने निकलते हैं भंडार पहुंचने में, बांजल पहुंचने में पसीने निकलते हैं, भंडार पहुंचने में पसीने निकलते हैं, रोलका में पसीने निकलते हैं, वो हमारा ढग्गर एरिया है, टिटवा जाके एक बार हमारे, हम सीओ साहब से दरख्वास्त करते हैं, जो हमारे नए सीओ साहब इस वक्त चेयर पे बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ मैं उनके साथ चलूँगा, सिर्फ एक बार टिटवा चले वो बाई फुट हमारा ढग्गर। मैं 6 साल से बांजल में ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा नाम भी नहीं है इस लिस्ट में, और मेरी सर्विस 23 साल हो गई, 18-19 साल मैंने डुगन ब्लॉक में ही दे दी, और ब्लॉक बनी का रहने वाला हूँ मैं, मेरे लिए बनी ब्लॉक में जगह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एजुकेशन में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अगर पॉलिटिक्स एजुकेशन में रहेगी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये देखो जी, आज अगर हम टीचर पढ़ाते हैं, हमने हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमें सैलरी देती है गवर्नमेंट, किस लिए? कि हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं। वही बच्चा जो है, वही बच्चा तहसीलदार बनता है, वही बच्चा डॉक्टर बनता है, वही बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनता है,
अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो आने वाला एक वक्त ऐसा होगा कि मेरे ख्याल में सीईओ लेवल की कुर्सी पर भी एक टीचर को बिठाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचेगा कौन, क्योंकि टीचर ही मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में जाके, जो जिसने छः घंटे पैदल चलना है वो स्कूल पहुँच के क्या पढ़ाएगा वो, क्या उधर वो अपनी टांगों को देखेगा कि या उधर पढ़ाएगा वो, क्या करेगा वो उधर पहुँच के। मैं यही कहता हूँ कि जो ये लिस्ट बनी है इस लिस्ट को रिव्यू किया जाए, और ये जो हमारे टीचर जो पाँच साल छः साल प्लस हैं, और हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं कि 19 साल 18 साल के उन स्कूलों में बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कहीं जगह नहीं है? मेरे को टिटवा लगवा दो, 3 साल के लिए मैं वहाँ सर्विस करूँगा, मगर इस वक्त नहीं, क्योंकि मैं उन्हें हार्ड जोन में पहले हूँ मैं। ऑल टीचर एसोसिएशन टेंटेटिव ट्रांसफर लिस्ट को रिव्यू करो, टेंटेटिव ट्रांसफर लिस्ट को रिव्यू करो, टेंटेटिव ट्रांसफर लिस्ट को रिव्यू करो, रिव्यू करो, रिव्यू करो। ये थे हमारे साथ तहसील बनी के टीचर हजरात, जिनके खिलाफ जो है वो डेलिबरेटली एक प्रपोजल बनाया गया ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, और इनके जो खिलाफ है तो इनको ये हरास किया जा रहा है। मिनट को चाहिए सीओ कठुआ को और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एलजी साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर इस ट्रांसफ़र लिस्ट पे जो रिव्यू किया जाए, इंस्टेंट रिव्यू किया जाए, इंटरवेंशन की जाए, ताकि आने वाले समय के लिए जो नेशनल बिल्डर हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो बच्चों का ख्याल रखें, इनको सही तरह से पढ़ाया जा सके, इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो, मेंटल हरासमेंट ना हो, तो ये सही अच्छे तरीके से हमारी नेशन को संवारे। थैंक यू सो मच।